भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल आरोपी सिंगर समर सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सिंगर की जमानत को मंजूरी दे दी गई है। बता दें ये मामला रविवार 26 मार्च का है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे एक संदिग्ध आत्महत्या मामले में वाराणसी के एक होटल के कमरे में मृत पाई गई। वो उस रात एक पार्टी में शामिल हुई थी और अधिकारियों के अनुसार उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि उनके सह कलाकारों और परिवार का तर्क ये था कि उनके निधन के पीछे वजह कुछ और है। भोजपुरी गायक समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह के खिलाफ ये आरोप आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने लगाया था कि उन्होंने एक्ट्रेस को खुदकुशी करने के लिए उकसाया था, जिसके बाद उनकी मां ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद उन्हें गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। उस वक्त पुलिस की यही कोशिशें थी कि आकांक्षा दुबे की मौत की गुत्थी सुलझाई जा सके, जिसमें समर सिंह ने याचिका में खुद को निर्दोष बताया था। उसकी तरफ से कहा गया कि वो बेगुनाह है और उन्हें साजिश इस मामले में फंसाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में एविडेंस और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत दे दी है, साथ ही ट्रायल में सहयोग का निर्देश दिया है। लेकिन उनकी इस जमानत को मंजूरी मिलने के बाद सभी का यही सवाल है, आखिर इन लोगों को कब तक ऐसे ही रिहाई मिलती रहेगी? आज आकांक्षा तो कल कोई और शिकार होगी, आखिर कब तक? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहें जनतंत्र डिजिटल के साथ।